खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो आप नोट ऑन कर लें। गोश्त मैंने ले लिया हाफ के जी, बड़े का गोश्त है, हड्डी वाला मैंने ले लिया है हाफ के जी, शलजम मैंने ले लिए हैं तीन, इनको मैंने काट लिया है, प्याज मैंने ले लिया है दो और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, दो टमाटर ले लिए इनको भी बारीक काट लिया है, पानी मुझे चाहिए होगा 3 कप, हाफ कप मुझे ऑयल चाहिए होगा। मसालों में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट ऑन कर लें। ये मैंने लिया है जी गर्म मसाला पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, अदरक पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, लहसुन पेस्ट मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून मैंने ले लिया कस्तूरी मेथी, इसको मैंने पीस लिया है। ये मैंने ले लिया है जी भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है जी हल्दी पाउडर का 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और रेसिपी करते हैं अपनी स्टार्ट। फ्लेम हमने कर लिया है जी ऑन और सबसे पहले हमने पानी के 3 कप ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में इसमें जाएगा जी हमारा गोश्त। प्याज मसालों में मैं इनमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, इसको कर लेते हैं हम मिक्स जी। गोश्त को और मसालों को अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब मैंने हीट ऑन कर देनी है 20 मिनट के लिए, उसके बाद जी मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा जी। तो मेरी हो गया वापसी, 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, थोड़ा सा पानी बीच में है, इसको खुश कर लेते हैं और फिर हम इसकी करेंगे बुनाई। इसकी करनी है अब हमने बुनाई। अब हमने ऐड कर देना है हाफ कप इसमें ऑयल का, इसकी अब भुनाई करते हैं, अच्छे से इसको भून लें, इसको करें मिक्स। इसकी भुनाई अब कर लेनी है जी। तो इसकी भुनाई करते टाइम हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर और गर्म मसाला पाउडर, इसको हम कर लेते हैं मिक्स। पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपनी रेसिपी आलू गोश्त की, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शलजम गोश्त की भी रेसिपी शेयर करूं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें अपना। साथ ही अब हमने इसमें शलजम ऐड कर देनी है इसमें, तो करते हैं मिक्स। अब हम शलजम और गोश्त की बुनाई करेंगे। जी शलजम और गोश्त को अच्छे से मैंने भून लिया है, ये देखें अच्छी सी इसकी ग्रेवी ये देखें रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें 1.5 कप पानी का ऐड कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे दम पे पकाना है। ठीक है जी, इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी और मिलती हूँ आपसे मैं 12 मिनट के बाद जी। तो 12 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, मैं आ गई हूँ वापस और हमारी शलजम जो है वो अच्छे से गल चुकी है, ये देखें हल्की आँच है, मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इसे रखा था और ये गल चुकी है। अब मैंने इस स्टेज पे इस पर ऐड कर देना है भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, कस्तूरी मेथी, 2 मिनट के लिए बस मज़ीद इसे दम पे रखूंगी कि जो ऑयल है वो हमारा, कस्तूरी मेथी अभी ऐड किया तो ऑयल हमारा ऊपर की तरफ आ जाए, ये देखें जैसे ही मेथी ऐड की है ऑयल ऊपर आने लग पड़ा है। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के साथ। ये है जी शलजम गोश्त की हमारी फाइनल लुक। रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।